16 से 20 तक चलने वाली बुद्ध से कबीर तक यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों के साथ साथ संत कबीर नगर और महाराजगंज के अलावा अलग अलग संस्थानों में आयोजित होगी। यात्रा की पूर्व संध्या पर एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद बल DGP गुजरात ने यात्रा की रूपरेखा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पहले दिन की यात्रा कौड़ीराम से शुरू होकर शहर के सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन और प्रेमचंद पार्क में संपन्न होगी। अगले दिन यात्रा संत कबीर नगर और मगहर में संपन्न होगी। तीसरे दिन का कार्यक्रम गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित उरवा बाजार, गोला बाजार, डंडवा और बांस गांव में होगी। चौथे दिन यात्रा महाराजगंज जिले में होगी। इस प्रकार 20 मार्च को शहर के प्रमुख स्थानों पर पदयात्रा के साथ शाम को शिव शक्ति वाहन तारामंडल रोड में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी के साथ समाप्त होगी। इस मौके पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद बल DGP गुजरात ने कहा, इस तरह के प्रयासों के लिए नहीं रहती। आज की तारीख में आप लोग सब जानते हैं, राजनीतिक कोई चीज हो, गाना बजाना हो, उस सब चीजों के लिए एक आकर्षण समाज में रहता है, स्वाभाविक भी है। राजनीति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। सुनील मल जी का जो लेख है वो बहुत अच्छा लेख है। था पूरा कार्यक्रम यही है कि अगले 5 दिनों में 16 से 20 मार्च 2020 तक हम लोग यात्राएं करेंगे अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में। गोरखपुर है, खलीलाबाद की तरफ है, दक्षिणी गोरखपुर का उरवा बाजार, गोला बाजार, बांसगांव, कौड़ीराम, महाराजगंज जिले में महाराजगंज, फरेंदा, ब्रिजमनगंज क्षेत्र जो है इसमें शामिल हैं, और गोरखपुर शहर में भी ये कार्यक्रम होंगे। तो इस तरीके से करीब आने वाले 5 दिनों में हम 15 शैक्षणिक संस्थाओं में और शहर और कस्बों में ये कार्यक्रम हम करेंगे। बुद्ध से कबीर तक का जो आंदोलन है उसका संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या मुख्य संदेश है यात्रा का? मुख्य संदेश क्या है? यात्रा का मुख्य संदेश अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो इस देश की ऐतिहासिक विरासत को सहेजना, बुद्ध, महावीर, गोरखनाथ, कबीर और गांधी के जीवन दर्शन के माध्यम से अपने विविधतापूर्ण और बहुसंस्कृतिवादी राष्ट्र की संरचना को और मजबूत करना है, जिससे हमारी साझी संस्कृति एवं संवैधानिक राष्ट्रवाद को मजबूती प्राप्त हो। ये हमारा उद्देश्य अगर दो लाइन में कहें तो। यात्रा में सर मुख्य रूप से आप किसको जोड़ रहे हैं? युवाओं को जोड़ रहे हैं, स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे बुद्ध से कबीर तक जो है समावेशी प्रयास है, तो इसमें हर किसी को स्वागत इसमें है। समाज के हर क्षेत्र से लोग आए और आते भी हैं, पढ़े लिखे लोग, एकेडमिशियंस, काम करने वाले लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं वो लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों सब लोग आते हैं। हम लोग का एक फोकस रहता है कि खास करके समाज के जो किसी भी तरीके से थोड़े से कमज़ोर लोग हों वो इसमें ज़रूर आएँ। तो आप जैसे देखेंगे, उदाहरण के लिए महिलाओं की साझेदारी इस कार्यक्रम में एक बहुत सशक्त रूप से होती है, बच्चियों की साझेदारी बहुत सशक्त रूप से होती है, और ख़ास करके उद्घाटन वगैरह या फ्लैग ऑफ जो है वो जो झंडा दिखाना, हरी झंडी दिखाना, हम कोशिश करते हैं कि समाज के कमज़ोर तबके की महिलाएँ उसको करें। तो ये बेसिकली फोकस रहता है, लेकिन हर आदमी इसमें आता है, और एक आदमी जो आने की इच्छा व्यक्त करे हम कोशिश करते हैं वो किसी से कारण से, किसी भी कारण से ऐसा ना हो कि वो ना आ सके। तो हम सबको चाहते हैं कि इसमें जुड़े, तो बहुत ही समावेशी प्रयास है ये।